दोस्तों ये है अमृता देवीदासी, एक रशियन जिसने अपने पति के साथ हिंदू धर्म अपनाया हुआ है। पर इनके जैसे रशिया में लाखों लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया हुआ है, और साथ में ही ऐसी फेमस रशियन सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया हुआ है, जैसे फेमस रशियन सिंगर सती काजानोवा, फेमस रशियन बास्केटबॉल प्लेयर येकेटेरिना लिसिना और फेमस रशियन सिंगर नाताली और न्यूसा। इन सभी फेमस रशियन सेलिब्रिटी ने हिंदू धर्म को अपनाया हुआ है, जिसके कारण धीरे धीरे रशिया में हिंदू धर्म पॉपुलर होता जा रहा है। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण रशियन सनातन को अपनाते जा रहे हैं? और क्या आपको पता है कि रशिया में एक आर्यन सिटी भी मौजूद है जिसको आर्य लोक और यूरोपियन वाराणसी भी कहा जाता है, जो साल 2025 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूस में सनातन धर्म की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ती जा रही है, और साथ में ही जानेंगे रशिया की ऐसी बहुत सारी हिंदू कम्युनिटीज के बारे में जिनको जानने के बाद आपको काफी ज्यादा प्राउड फील होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सन 1971 में भक्ति वदन स्वामी प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की थी, और इसी साल रशिया में हिंदुइज्म को श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था। गीता में बताए गए जीवन जीने का सच्चा ज्ञान रशियन को काफी ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि इससे पहले रशियन ने जीवन में संतुलन लाने वाली कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी, जिसके कारण धीरे धीरे रशियन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में बताए गए सनातन धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो करने लगे, और सन 1998 तक रशिया में 120 से ज्यादा कृष्णा कम्युनिटीज स्थापित हो गई थी, और 2022 तक ये नंबर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पर दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि रूस में सन 1971 से पहले सनातन धर्म को कोई जानता ही नहीं था। अगर हम रशिया की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले यहाँ पर ज्यादातर रशियन स्लाविक वेदिज्म को फॉलो करते थे। स्लाविक रिलीजियन एक ऐसा रिलीजियन है जिसके ज्यादातर रीति रिवाज हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से पूरी तरह से मेल खाते हैं, जैसे यज्ञ करना, पेड़ों की पूजा करना और सूर्य नमस्कार करना। और भी इनके बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो हिंदू धर्म से मेल खाते हैं, इसीलिए स्लाविक लोग सनातन धर्म को ही अपना ओरिजिन मानते हैं। पर इसके बाद स्लाविक लोगों का क्रिश्चियनाइजेशन करवाया गया, यानी कि क्रिश्चियनिटी में मास कन्वर्जन, जिसे बहुत बड़ी तादाद में स्लाविक लोग क्रिश्चियन बन गए थे। पर रशियन को सबसे ज्यादा हिंदू धर्म पर तब विश्वास हुआ था जब साल 2007 में एक आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कजेविन के द्वारा रशिया के वोल्गा रीजन में भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति खोजी थी, और इसकी कार्बन डेटिंग से पता चला था कि भगवान विष्णु की ये मूर्ति 7th सेंचुरी में बनाई गई थी। और इसके बाद साल 2010 में रशियन आर्कियोलॉजिस्ट ने रशिया के ही एक रीजन में 4000 साल पुरानी आर्यन सिटी खोज निकाली, जो सीधा सनातन धर्म से कनेक्ट थी, क्योंकि इस आर्यन सिटी में बहुत सारे मिट्टी के घड़ों पर स्वास्तिक छपे हुए थे, और हम सबको पता ही है कि स्वास्तिक सनातन धर्म का एक प्रतीक है। और दोस्तों इसके बाद रशियन का हिंदू धर्म में विश्वास और ज्यादा गहरा हो चुका था, जिसके कारण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से रशियन ने सनातन को अपनाना स्टार्ट कर दिया, और आज रूस के लाखों लोग सनातन धर्म को अपना चुके हैं। पर दोस्तों शायद ही आपको पता होगा कि रूस में एक हिंदू कम्युनिटी भी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ ऑफ वैदिक कम्युनिटीज, जो रशिया के साथ साथ दुनिया भर में स्पिरिचुअल एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, वैदिक सेटलमेंट्स, मेडिटेटिव सेंटर्स, योगा, आयुर्वेदा और वैदिक एस्ट्रोलॉजी सेंटर्स मेंटेन करती है। इन सभी कामों के माध्यम से ये कम्युनिटी सनातन धर्म को पूरी दुनिया में फैला रही है, और साल 2025 में रशिया के एक रीजन में आर्यन लैंड यानी कि आर्य लोक बनाया जा रहा है, जिसकी वैदिक होली सिटी के नाम से कंस्ट्रक्शन की जा रही है। इस पवित्र शहर को यूरोपियन वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, जो साल 2025 तक कम्प्लीट होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।